पे दो मैट्रेस आ सकते हैं ना ये वाले? हाँ ये दो आ सकते हैं। ये वाला तो काफी हैवी है ये तो यार। इसमें आपको ढीला कर देंगे ना। हाँ हाँ निकलेगा देखना। ये कितने का होगा? वो काफी लाइट वेट है यार ये तो। 599 का, 499 का, 3999 का। तो दोस्तों ये था कुछ पार्ट वन के हाइलाइट्स। तो चलिए शुरू करते हैं सेकंड पार्ट, जिसमें अपन देखेंगे और भी कैंपिंग गियर। और ये टेबल वगैरह है? हाँ ये आपके टेबल वगैरह होगी। ये यहाँ पे डिस्प्ले में हमने लगाया हुआ है, आई विल शो यू। ये वाला है 5499। ओके, इसमें आपको चार टेबल साथ में मिलती है स्टूल्स के, और ये पूरा पैक हो जाता है कॉम्पैक्ट में, ये ऐसा हो जाता है बिल्कुल। और ये 3499 ये वाला जो अभी आपने देखा था वही वाला है, पैक हो जाएगा ऐसे सूट केस। और ये वाला आपका 1499, ये 1299। हाँ खाना वाना बनाने के काम में आए हुए जा सके। हाँ ये वाला 15 kg अराउंड कैरी कर सकता है सर। 15 हाँ नहीं, आदमी बैठने के लिए नहीं है सर वो बच्चा। अच्छा 7499 70 liter ओपन हो जाते हैं। और मतलब ट्रैकिंग के हिसाब से नहीं है ये वाला, ये वाला ट्रैकिंग के हिसाब से नहीं है, ट्रैवलिंग के हिसाब से चल रहे हो गोवा की ट्रिप बना ली आपने तो यू कैन यूज दिस बैग एज वेल। और कैबिन में भी आप यूज कर सकते हो। ओके यूज आ रहे हो कैबिन भी आ गई। ये वाला नहीं है 70 liter नहीं है, बट 50 liter यू कैन कैरी इन अ कैबिन। ओके तो भाई बैग तो देखो, बैग के जो रेट है भाई 10,000 रुपये रेट है बैग के। यहाँ से 10,000 रुपये के बैग लेने का कोई मतलब नहीं है। और बाकी कैंप का मेरे को सही लगा ये वाला, जो कि 4999 का है, 5000 का, जिसमें आप मतलब तीन लोगों का इन्होंने बताया हुआ, बट इसके अंदर आराम से चार लोग बैठ सकते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा बट बैठ सकते हैं। तो ये कुछ अटेंसिल्स हैं जो कैंपिंग में आपके इस्तेमाल हो सकते हैं। और ये देखिए केचुआ कंपनी के जो भी हैं यहाँ पे, मतलब डीकैथलॉन में जो भी आपको आइटम मिलेगा वो पूरा केचुआ कंपनी का ही मिलेगा। और ये कुछ बर्तन है देखो, सी बाउल सेट 199 और ये 999 का। तो मैं खोलता हूँ तो यार ये एक तरीके से पेन का भी काम कर सकता है। देखो भाई ये सीधा पेन की तरह इस्तेमाल ले सकते हो आप। तो दोस्तों ये कुछ लाइट्स हैं जो कि मैं आपको दिखा दूँ। देखो ये बटन्स के अकॉर्डिंग इसका मतलब एडजस्टमेंट होता है। जो लाइट का रेट है वो भी आप देख लीजिए, 799 है। और भाई 299 के रेट में भी मतलब इनकी कुछ है यहाँ पे जो कि चार्जेबल होती हैं ये। और ये कुछ स्पेसिफिकेशन है इस लाइट का, तो इनके बारे में यहाँ दिया हुआ है 100 घंटे के लिए बैटरी लाइफ है इसकी और 50 घंटे की इसकी सिंगल यूज़ बैटरी लाइफ है। तो काफ़ी ज़्यादा यार ये तो। और भाई ये सर पे माउंट होने वाली है, तो इसको सर पे लगा के लाइट जला सकते हो। ये देखो भाई ये लाइट आप जला सकते हो। ये देखो तीन मोड है इसके अंदर, कुछ डेमो के लिए भी लगे हुए हैं यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे लगे हुए डेमो में, और जिसका रेट आपको दिख जाएगा 1699, 999, 699 और 299। तो सिंगल लाइट वाले का है 299 और डबल वाले का है 699। इतनी हेल्प करी अपना फेस तो दिखा दी, दिखाना बनता है। तो भाई का खुद का भी यूट्यूब चैनल है नवी सैनी के नाम से, तो आप उनको सब्सक्राइब करें। इन्होंने थोड़ा लॉकडाउन से पहले ही बंद किया यार अपना चैनल, तो अपने व्यूज तो बताओ इसके बारे में। व्लॉगिंग क्या करते थे, ट्रैकिंग करते थे कुछ? व्लॉगिंग में मैं अपना बाइक ट्रैवल करता हूं। हां बाइक से उठाया कहीं भी निकल गया, मतलब लद्दाख मेरा हो गया, पूरा चला गया था। स्पीति वैली मैंने सोलो किया था, विंटर में निकल गया था यार। सोलो तो मैं भी करना चाहता हूं, लेकिन अंदर से आवाज आती है कि नहीं यार सामान उठाओ बाइक उठाओ निकल जाओ निकल जाओ, सब हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। कुछ नहीं सोचा था, कोई प्लान नहीं था कहाँ रुकना है कहाँ नहीं रुकना है, बस बाइक उठाई निकल गया था। अच्छा मैंने स्पीति वाले ऐसे किया है। बाकी मेरा नॉर्थ ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, नॉर्थ पूरा कंप्लीट हो चुका है। मेन मेन जगह है सारी मैं घूम चुका हूँ, उत्तराखंड हो गया इधर, स्पीति वाले वगैरह सब सारा घूम लिया है। और अभी मेरा नॉर्थ ईस्ट जाने का प्लान। बाइक कौन सी आपके पास? मेरे पास ड्यूक 200। सही है यार। और हिमालयन कैसी रहती है? अच्छी बाइक है हिमालयन भी, हिमालयन अच्छी है। आप ऑफ रोडिंग बाइक जो है जितनी है सारी अच्छी है ट्रैवल के लिए। तो कैंपिंग वगैरह किया ना आपने? हाँ कैंपिंग वगैरह तो हम लोग करते रहते हैं इधर, नेपाल चले जाते हैं इधर, सांबर लेक मैंने काफी किया है। अच्छा सांबर लेक में भी? इधर भी हाँ सांबर लेक में तो हम लोग बहुत लाइक 50-50 बंदे हम लोग साथ में, 50 बंदे हाँ एक साथ में काम किया है, विंटर में काफी ट्रैवल किया। तो आप यही अपना सामान यूज करते हैं या फिर हमारे लिए बस ये केचुआ का? नहीं नहीं मैं खुद पर्सनली सारा केचुआ का यूज करते हैं।
अभी टी शर्ट भी डिकैथलॉन की ही पहनी है मैंने। अच्छा डिकैथलॉन की टी शर्ट भी पूरा यहीं का यूज़ करते हैं सारी चीज़ें। अच्छा 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 है प्रोडक्ट काफ़ी। हाँ कम्फर्टेबल रहता है यार, ब्रांड है। हाँ बाकी यार फॉरेन ब्रांड है। पैसे तो देखे मैंने जो इसके पैसे ट्रिपल नाइन बच्चों का स्लीपिंग बैग भी आता है। नहीं किड्स ये कैंपिंग वगैरह नहीं करते हैं इसलिए उसके पास स्लीपिंग बैग भी नहीं आता होगा। सही है यार। बाकी कुछ टिप्स बताओ हमारे को भी, हम तो पहली दफ़ा जा रहे हैं यार। कहाँ जा रहे हैं हम? मैं ये सोलान की तरफ जा रहा हूँ। ओके सोलान वैली की तरफ। सोलान वैली तो वहाँ पे कुछ लोग हैं जो मेरे को वहीं ज्वाइन करेंगे, उनके लिए मुझे शॉपिंग करनी है। ये जो कैंप वगैरह है उनके लिए मुझे लेने हैं। कैंप्स वगैरह तो हम लोग जैसे आप ना अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो कैंप्स वगैरह तो आप लोग इमरजेंसी में यूज़ कर सकते हैं। अच्छा इमरजेंसी अगर आप होता है ना तो वैसे होटल्स वगैरह और होम स्टे काफ़ी मिल जाते हैं, तो मैं मोस्ट प्रॉबली होम स्टे वगैरह में ही रुकता हूँ। अच्छा निकलते हैं कैंपिंग इमरजेंसी में करते हो आप? कैंपिंग इमरजेंसी करते हैं कि नहीं यार कैंपिंग कर ली है। होटल में वो मजा गया जो कैंपिंग में खुद बनाना स्ट्रगल रहता है, थोड़ा एडवेंचर रहता है। एडवेंचर तो स्ट्रगल ज्यादा हो जाता है, एडवेंचर नहीं होता है। आपने जो सोलो वाला किया था आप बता रहे हो जो, उसमें कैसा रहा था आपका? उसमें तो हालत खराब थी मेरी, मैं कुछ भी नहीं गया था, -30 टेम्परेचर था। तो स्लीपिंग बैग वगैरह भी कुछ नहीं था क्या आपके पास? फिर आपने सर्वाइव कैसे किया? बस मैं निकल गया और पे भाई ऐसे रिस्क मत लेना और ना मैं अपने व्यूअर्स को रिकमेंड करूंगा ये कि कोई ना करे। रिकमेंड नहीं करूंगा कि स्थिति वाले आप ऐसे जाओ विदाउट प्रिपरेशन तो बिल्कुल भी मत जाओ। मतलब थोड़ा प्रिपरेशन करके ही जाएं, 100% प्रिपरेशन करके ही जाओ। ये चीज अच्छी टिप्स दी आपने यार हमारे व्यूअर्स के लिए। कहीं भी जाना होता है तो पहले उसके बारे में देखो कि लोकेशन कैसी है, वहां का वेदर कैसा है, डे नाइट वेदर आप देख सकते हो वहां का, और वहां पे घूमने की जगह कौन कौन सी है, वहां पे आपको चीजें क्या क्या चाहिए। काफी सारे यूट्यूबर्स हैं, काफी सारे ब्लॉग्स लिखते हैं, उनका ब्लॉग्स पढ़ लो, अब वो चीज का हेल्पफुल होती है। एक्सपीरियंस किया तो उस अकॉर्डिंग आप अपना प्लान करके जा सकते हो। यार मैं भी काफी सारे यूट्यूबर्स को फॉलो करता हूं जो कैंपिंग वगैरह करते हैं, उनके मतलब देख के अंदर से लगता है कि यार खुद को भी कैंप करना चाहिए। वो बस वहीं से इंस्पिरेशन मिलती है, पर हम लोग क्या करते हैं बस देख लिया कि हाँ बस वो लोग पहुंच गए तो हम भी पहुंच जाएंगे, बट ये नहीं देखते कि उन्होंने क्या क्या चीजें यूज की हैं, कैसे वो वहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं, कैसे मतलब वहाँ का जो वेदर कंडीशन है, वहाँ की जो सर्वाइवल कंडीशन है वो एक बार देखना जरूरी है ऑनलाइन, वो सारी आपको देख के जाना चाहिए। नवीन भाई है, इनसे मिलकर आज अपने को बहुत खुशी हुई। तो अपने को इन्होंने काफ़ी यूज़फुल टिप्स दी है जो हमारे सब्सक्राइबर के भी काम आने वाली है। और अभी हम यहाँ से मतलब कैंप लेंगे क्योंकि अभी एक आधा कैंप यहाँ पे मिसिंग है, तो जैसे ही आएगा वो ये मुझे बता देंगे, मैंने इनका कॉन्टैक्ट नंबर ले लिया है। और चलो जल्दी से मिलते हैं आपसे फिर, है ना भैया? थैंक यू यार। चलो थैंक यू, थैंक यू, सेम यार। चलो यार तो ये था कुछ डिकैथलॉन का कैंपिंग वगैरह का, तो आप देख लीजिए यहाँ पे इस तरीके का सामान यहाँ पे सब कुछ रखा हुआ है, सब कुछ मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट एक घंटा निकल चुका है मेरा और बोलते बोलते प्यास लगने लग गई है, पानी भी दिख गया। और ये देखिए सामने आपको दिख रहा होगा बरसात के लिए। तो भाई डिकैथलॉन का जो मग्गा भी है ना वो भी देखो यार पूरा कम फोल्डेबल है। तो दोस्तों डिकैथलॉन में आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मिल जाएगी, कुछ चीज़ें मतलब एसेंशियल है जो आपको यहीं से ही लेनी चाहिए और कुछ चीज़ें हैं जो आप बाहर से भी परचेज़ कर सकते हैं क्योंकि इसका जो रेट है काफ़ी ज़्यादा हाई पड़ता है बाहर के मुकाबले अंदर। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप कुछ चीज़ें जो हैं जैसे कि टेंट हो गया और आपने जो जैकेट वगैरह वियर करना है तो वो कंपनी का ही करें, लोकल ना करें। और जैसे कुछ टूल्स आते हैं जिसमें हैमर हो गया और एक्स हो गया, तो ये ऐसी चीज़ें हैं मतलब जो आप बाहर से परचेज़ कर सकते हैं। लाइट वगैरह जो यहाँ पे मतलब 1000 रुपये की लाइटें थी तो बिल्कुल भी वर्थ नहीं है वो उनका यहाँ से लेने का क्योंकि इतनी महंगी तो क्या लेना। और दूसरा यहाँ पे जो बैग बताया गया है 10,000 रुपये का, तो वो भी मेरे हिसाब से यहाँ से लेने में कोई मतलब चतुराई नहीं है। तो जो लोग जयपुर से हैं वो डिकैथलॉन आने के लिए जयपुर सेंटर के लिए वो मालवीय नगर से सीधा आ सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये जो राजस्थान पत्रिका गेट है वहाँ से तकरीबन मतलब 500 मीटर के डिस्टेंस पे ही होगा। और ये कुछ है बाहर से डिकैथलॉन का जो कि जयपुर सेंटर के अंदर है, सेपरेट बनाया हुआ पूरा जो आपको दिख रहा होगा डिकैथलॉन का सेपरेट बना हुआ है। तो ये जयपुर सेंटर जो है मॉल, इसका इंटीरियर कुछ इस तरीके से, क्योंकि मैं वेरी फर्स्ट टाइम यहाँ पर आ रहा हूँ तो मैं भी पहली दफ़ा देख रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखा दूँ। तो काफ़ी बड़ा है यार। तो भाई ये है कुछ जयपुर सेंटर मॉल, लेकिन इसके अंदर आपको नहीं आना है, आपको बाहर ही बाहर मतलब डिकैथलॉन मिल जाएगा राइट साइड में। तो दोस्तों ये था कुछ डिकैथलॉन जयपुर सेंटर का, और इसमें जो भी मतलब कैंपिंग गियर अवेलेबल थे मैंने उसका बेस्ट रिव्यू आपको देने की कोशिश की और ज़्यादा से ज़्यादा मैंने चीज़ आपको बताने की कोशिश की। और चलिए इस वीडियो में इतना ही था और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। बाय।